हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी पकौड़ा, तो सोचा कि वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए मैंने ले लिया दही और साथ में ले लिया बेसन, और बेसन में मैंने मसाला भी ऐड कर लिया है जो कि पकौड़े के टेस्ट के अकॉर्डिंग। और मसाला ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं डाल देती हूँ उसमें पानी। पानी को हम धीरे धीरे डालेंगे क्योंकि इसका बैटर बहुत जल्दी गीला ना हो, इसलिए हम पकौड़े के अकॉर्डिंग हमें बैटर बनाना है तो हम धीरे धीरे पानी डालेंगे। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो अच्छा सा तैयार होए। और यहाँ पे मैंने ये ऐसा कुछ बैटर तैयार कर लिया है, तो इसको भी हम बहुत अच्छे से थोड़ी देर तक हिलाएंगे जिससे कि पकौड़े हमारे अच्छे बने। तो ये जो बैटर है ये तैयार हो गया है, तो अभी हम इसको रख देंगे थोड़ी साइड में। और यहाँ पर हम ले लेते हैं मसाला। मसाले में धनिया और लहसुन और हरी मिर्च को हम ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी का एक जार ले लिया है, उसमें मैंने धनिया और साथ में जो लहसुन और मिर्च कटी हुई थी तो मैंने ऐड कर दी है इसमें। तो इन सब तीनों चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद मेरा ये कुछ ऐसा पेस्ट बनता है यहाँ पे लहसुन धनिया और मिर्च का। और साथ में इसी जार में हम डाल देंगे दही। तो आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग दही ले सकते हैं, कितने मेंबर हैं उसी के अकॉर्डिंग दही लें। यहाँ पे मैंने जार में डाल दिए दही, और इसमें डालती हूँ मैं बेसन। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच के करीब बेसन ले लिया है। तो इन दोनों चीज़ों को जार में डालने के बाद मैं इन सब चीज़ों को भी कर दूँगी ग्राइंड। और यहाँ पे मैं थोड़े से मसाले भी ऐड कर देती हूँ इसी में। तो यहाँ पे नमक, हल्दी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है कढ़ी में, और जो भी मसाले मैंने ऐड कर लिए और उसको मैंने ग्राइंड करने के बाद मेरा कुछ इस तरह बैटर तैयार होता है। तो ये मेरा बन गया कढ़ी वाला बैटर। अब जो पकौड़े के लिए बैटर बनाया हुआ था उसको हम पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं पकौड़े। तो इनको थोड़ी देर इस तरह हिलाने के बाद जब तक ये थोड़ा ब्राउन हो जाए, ब्राउनिश कलर इनका जब आ जाए तो हम इनको ऐसे निकाल के साइड में कर लेंगे। और ऐसे ही हम पकौड़े सारे तल लेंगे। उसके बाद जो ज़्यादा ऑयल हमारा हो जाता है तो हम उसको निकाल के कढ़ी के अकॉर्डिंग उसमें ऑयल रखेंगे। उसमें हम डाल देंगे जीरा, और जीरा डालने के बाद हम डालेंगे कड़ी पत्ता। साथ में कड़ी पत्ता डाल दिया, और मैंने थोड़ी सी ये डाल दी मैंने राई, थोड़ा कढ़ी के टेस्ट को अच्छा कर देती है ये। और इन तीनों को मैंने अच्छे से ब्राउन होने दिया। तो गैस को सिम फ्लेम में ही रखें अभी ताकि ये जले ना। तो इन तीनों को ब्राउन होने के बाद जो मेरा बैटर रेडी हुआ था उसको मैंने डाल दिया कढ़ाई में। ये कढ़ाई में डालने के बाद कुछ इस तरह इसका कलर आ रहा है, और इसको आप काफ़ी देर तक ऐसे हिलाइए करछी से, क्योंकि अगर दही को ऐसे ही छोड़ देंगे तो दही थोड़ा ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे अच्छे से इसको उबालना है हमें, और इसमें हमें पानी भी ऐड करना है क्योंकि वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो पानी और दही और बेसन सब अच्छे से मिक्स हो जाए उसके लिए हमें कढ़ी को पूरा उबालना है। उबालने के बाद इसको सिम फ्लेम में थोड़ी देर के लिए पकाना है। तो यहाँ पे मेरी कढ़ी अच्छे से उबल गई है, तो ये देखिए पूरी अच्छे से गाढ़ी भी हो गई है और उबल भी गई है। इस तरह से जब कढ़ी उबल जाए तो हमारे जो बने हुए पकौड़े हैं उनको हम इसमें ऐड कर देते हैं। और उसके बाद इसमें एक और, अगर इसमें ज़्यादा अच्छे से मसाला और ऐड करना है तो हम यहाँ पे एक करछी लेंगे। करछी में मैंने ऑयल डाल दिया है, साथ में मैंने कस्तूरी मेथी ले ली है। और इसको और चटपटा बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है सूखी वाली, और इसमें डाल दिया तेज़पत्ता। तो इन तीनों को हम अलग से तड़का लगाने से इसमें कढ़ी का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो ये मैंने ऊपर से तड़का लगा दिया है। तो इस तरह से आप कढ़ी बनाएंगे तो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा कढ़ी में। तो यहाँ पर मेरी कढ़ी पूरी तरह से रेडी हो गई है खाने के लिए, तो अब हम इसको चावल के साथ खाएँगे। और यहाँ पे हम इसमें डाल दिया धनिया मैंने, कटी हुई हरे धनिया। तो ये थी गाइस आज की मेरी कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी। आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।